जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं नरेंद्र, मेरे चैनल टेक गुरु नरेंद्र में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं डेल का लैपटॉप लेके आया हूं अनबॉक्सिंग करने का। और ये जो डेल का लैपटॉप है, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन यहां पे आपको देखिए दिख रहा होगा। इंस्पिरॉन है 3501i3 10th generation, 1 TB हार्ड ड्राइव है और 8 GB रैम है। इसका जो मॉडल नंबर नीचे देखो दिख रहा है D560 3565W1 और IN98, ये उसका मॉडल नंबर था। तो इसमें जो है आपको लुक वगैरह आपको देखिए, इसमें ब्लैक कलर का लुक है। ये रहा इसका एडाप्टर चार्जर, इस तरह से बॉक्स में आते हैं। एक आपका अलग से केबल होता है और ये एडाप्टर होता है जो उसके साथ में जॉइंट करना होता है। ये जॉइंट करना एकदम इजी होता है, कोई इसमें ये नहीं है। ये 45 वाट का दिया हुआ है चार्जर। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक नए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना। इसी तरह से लैपटॉप के अनबॉक्सिंग की वीडियो में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वगैरह की वीडियो, लैपटॉप टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो ये रहा इसका लुक। इसका जो बॉडी है, ये बैक साइड का जो है बैक पैनल है वो मैट फिनिश है, बहुत ही स्ट्रांग है, गुड क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा है। डेल में ज़्यादातर मॉडल में अगर आप देखेंगे ना तो आपको उसकी जो बॉडी मिलती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। और इस तरह से उसका मटेरियल होता है ना कि अगर आप उसमें हैवी वर्क वगैरह करते हो ना तो लैपटॉप में हीट का ज़्यादा इशू नहीं होता है, क्योंकि इसकी ज़्यादातर बॉडी जो है प्लास्टिक की नहीं होती है, फाइबर की नहीं होती है। यहाँ पे देखिए इसका CPU फैन का जो है स्पेस दिया हुआ है, हीट जो होता है हीटिंग ये बाहर निकलने के लिए। तो एक नीचे भी दिख रहा होगा आपको, एक थोड़ा सा ऊपर भी दिख रहा होगा, तो काफ़ी बढ़िया है। इसके लिए मैं ज़्यादातर वीडियो में बताते रहता हूँ कि अगर आप लैपटॉप वगैरह यूज़ कर रहे हो तो आप ध्यान दीजिए, आप जहाँ से भी CPU फैन का हीटिंग जो बाहर निकलने का रास्ता बनाया गया रहता है वो ढकना नहीं चाहिए। बहुत से लोग होते हैं तकिया गद्दे पर रख के यूज़ करते हैं और वो हीट बाहर नहीं निकलता है, जिसकी वजह से लैपटॉप में प्रॉब्लम हो। इसमें 2 USB मिल जाता है, एक जो है जो HD कार्ड बड़ा वाला कार्ड होता है जो ज़्यादातर कैमरा वगैरह में यूज़ होता है वो मिलता है, HDMI पोर्ट है। और लेफ़्ट साइड में आपको एक HDMI पोर्ट, एक ईथरनेट पोर्ट और 2 USB, इसमें 3 USB दिया हुआ है, एक HDMI पोर्ट है और एक ईथरनेट पोर्ट दिया हुआ है और एक ऑडियो जैक होता है और एक जो है पावर का कनेक्शन होता है। तो इतना इसमें जो है पोर्ट दिया हुआ है। लुक वगैरह काफ़ी बढ़िया है इसका, और इसका लुक इस तरह से है कि जैसे ज़्यादातर सिल्वर मॉडल होते हैं तो ज़्यादातर लोगों को डाउट होता है कि गंदे हो जाएंगे या उसमें हाथ या फिंगर कंटिन्यू चलाते चलाते उसमें वो धब्बे आ जाते हैं, बट इस मॉडल में ऐसा नहीं होगा। इसमें बैकलिट कीबोर्ड नहीं आता है, इसमें आपको ब्लूटूथ, वाईफाई, अपना राउटर वगैरह कनेक्ट करने के लिए, और अगर आपके पास में मोबाइल से इंटरनेट आप चलाना चाह रहे हो तो आप इसमें मोबाइल के हॉटस्पॉट से आप इसमें इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं आता है। और इसमें आपका जो है, बहुत से लोगों का यही रहता है कि उसमें लैपटॉप के बारे में पूछते रहते हैं कि इसमें मोबाइल से इंटरनेट चलेगा कि नहीं। आपका कोई भी लैपटॉप हो, आप उस लैपटॉप में अपना मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके उसमें इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हो। डाटा थोड़ा ज़्यादा खर्च होगा क्योंकि इसमें जो है स्क्रीन बड़ा होने की वजह से इंटरनेट आपका ज़्यादा जल्दी खर्च होता है। ये रहा भाई यहाँ पे 1 TB का जो हार्ड ड्राइव है, इसमें पार्टीशन वगैरह अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। मैंने पार्टीशन की कैसे करते हैं वीडियो उसका बना के डाल के रखा हुआ है। और ये यहाँ पे आपको मैं प्रोसेसर का डिटेल दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा i3 10th generation और 1.2 GHz इसमें प्रोसेसर दिख रहा है, और इसमें जो कोर दिया हुआ है 2 कोर दिया हुआ है, लॉजिकल प्रोसेसर ये 4 है, इसमें 2 कोर दिया हुआ है। i3 में आपको मैक्सिमम जो है 2 कोर ही मिलता है। और यहाँ पे देखिए मेमोरी दिख रहा है 8 GB का दिख रहा है, इसमें 2 स्लॉट दिया हुआ है, एक स्लॉट में 8 GB रैम है, एक स्लॉट में और आप 8 GB रैम एंटर कर सकते हो, यानी कि इसमें अपग्रेड 16 GB तक आप कर सकते हो। यूज़ की अगर बात करेंगे इसमें तो आप जो है यहाँ पर रैम का देखो स्पीड काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। यूज की बात करेंगे तो इसमें आपको विंडोज़ 10 मिलता है, वर्ड एक्सेल मिलता है, तो आप इसमें वर्ड एक्सेल, टैली, PDF, इंटरनेट सर्फिंग वगैरह हो गया, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हो गया, और ऑफिस यूज़ में आपका कोई भी वर्क ज़्यादातर होगा वो सब चीज़ें इसमें आप एकदम इजीली यूज़ कर सकते हो। इसमें आप नॉर्मली अगर आपको थोड़ा एडिटिंग वगैरह भी करना है, आपको कोडिंग वगैरह भी करना है तो आप इसमें कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं आएगा। यहाँ ये हो सकता है कि अगर आपको लगे कि लैपटॉप स्लो चल रहा है, आगे चल कर आप इसमें SSD डलवा सकते हैं। और ये इसका स्क्रीन देखिए, यहाँ पे देखिए फुल HD स्क्रीन दिया हुआ है, 1080 फुल HD स्क्रीन है। रिफ्रेश जो रेट जो है वो 60 है, 60 रिफ्रेश रेट है, तो सब मिला के काफ़ी बढ़िया है, कोई भी इशू नहीं है। इसका जो मार्केट में दोस्तों प्राइस आ रहा है, ये आपको 42,000 से 43,000 के बीच में मिल जाता है मार्केट में। और अलग अलग ऑफ़र होते हैं, कैशबैक वगैरह का ऑफ़र होते हैं, आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके लिए कभी भी आप थोड़ा कंपेयर करके लैपटॉप बाय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो सब मिला के लैपटॉप काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, और अगर आपका कुछ क्वेरीज रहेगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। और सब आप जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन क्लिक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।